सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की वीडियो में जो है हम पोको M2 का बैक कवर है उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और पोको M2 में जो है कवर लगा के देखेंगे। तो अगर आपके पास पोको M2 है या फिर आपके पास Redmi 9 Prime है तो दोनों में ये कवर लग जाता है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे मोबाइल हैं, आपका Redmi 9 Prime और पोको M2। तो मेरे पास पोको M2 है, तो ये देखिए मैंने अमेजोन से मंगाया है और ये ट्रांसपेरेंट कवर है। और इसके अलावा एक और कवर है मेरे पास, ब्लैक कवर है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो आपको जो पसंद आए वो आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जो है इसको घर बैठे बैठे अमेजोन से मंगा सकते हो। और ये देखिए काफ़ी अच्छा कवर है, ट्रांसपेरेंट कवर है। और अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो 129 रुपये का ये कवर है, तो काफ़ी सस्ता है, मेरे ख्याल से महंगा नहीं है। तो अगर आपके पास Redmi 9 Prime या Poco M2 है तो आप ये कवर यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए एक और कवर है, ब्लैक कवर, तो इसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा आगे वीडियो में। तो ये दो कवर हैं और दोनों ही बेस्ट बैक कवर हैं और आपके जो फ़ोन है मोबाइल को काफ़ी प्रोटेक्ट करेंगे और काफ़ी सॉफ्ट कवर है। तो आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा कवर अच्छा है और कौन सा मुझको बेहतर लगा है। तो ये देखिए ये मेरे पास मोबाइल है पोको M2। तो सबसे पहले ब्लैक में जो है, ब्लैक कवर में इसको लगा के हम देखते हैं। और ये ब्लैक कवर जो है आपका ₹139 का है। और ये देखिए इस प्रकार से आराम से लग गया और ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका मोबाइल का कलर इसमें दब जाएगा। तो देखिए जैसा कि मेरा रेड कलर का मोबाइल है तो कलर तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो और इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा ट्रांसपेरेंट कवर को, क्योंकि उसमें आपका फ़ोन का कलर जो है दिखता है। तो अगर आपको कलर से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको जो है ब्लैक कवर पसंद है तो आप ब्लैक लगा सकते हो। तो भाई मुझे तो ट्रांसपेरेंट वाला पसंद है, क्योंकि इसमें मेरा मोबाइल का लुक अच्छा आ रहा है और जो मेरा रेड कलर है फ़ोन का पोको M2 का, तो ये पूरा अच्छा जो है अच्छा खासा पूरा कलर दिख रहा है और अच्छा भी दिख रहा है फ़ोन, आप खुद ही देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं और राउंड में देखिए आप जो कॉर्नर है, देखिए कॉर्नर में जो है कुशन एजेस हैं जो कि अगर आपका फ़ोन कभी गिर जाता है ना तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि जो आपके जो कॉर्नर है ना वो कुशन एजेस जो है ना ये ऐसा वाला जो है कवर लिया करिए, क्योंकि इसमें जो है फ़ोन गिरता भी है ना तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो आप कॉर्नर में देख सकते हैं और कैमरा वगैरह भी ये प्रोटेक्ट करता है, तो जब भी आपका फ़ोन गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही वाला जो है कवर लगा है, और ये है आपका फ्लेक्सिबल शॉक प्रूफ क्रिस्टल क्लियर TPU सॉफ्ट बैक कवर। और ये जो है आपका ₹129 का है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे। तो काफ़ी सॉफ्ट कवर है और ये काफ़ी मतलब इससे मोबाइल भी जो है आपका काफ़ी मतलब भारी नहीं हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो मुझे ये कवर पसंद आया, तो आप देख सकते हैं और लुक वगैरह फ़ोन का बहुत अच्छा आ रहा है। तो और भाई कवर लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका सस्ता फ़ोन हो या महंगा फ़ोन हो, अगर आप कवर नहीं लगाओगे तो आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सस्ता फ़ोन ही है तो डैमेज होगा, महंगा फ़ोन भी है तो वो भी डैमेज हो सकता है। तो कवर को मैं हमेशा प्रिफ्रेंस देता हूँ, चाहे महंगा फ़ोन हो चाहे सस्ता फ़ोन हो। अब ये ब्लैक जो है कवर देखिए, और ये है आपका कार्बन फाइबर रग्ड आर्मर ब्लैक कलर। तो आप ये देख सकते हैं ये कवर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई मोबाइल का जो आपका कलर है वो दब जाएगा। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी ये भी अच्छा लग रहा है, तो आप चाहें तो इसको भी परचेज कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन देखिए इसमें जो एजेस है ना, जो कुशन एजेस उसमें थी ना, इसमें वो नहीं है। हालांकि ये भी प्रोटेक्ट करेगा आपके कैमरे को, प्रोटेक्ट करेगा फ़ोन को करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये ज़रूर है कि ये गंदा नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक कवर है और जो ट्रांसपेरेंट है वो कुछ देर बाद जो है थोड़े से येल्लोइश पीले हो जाते हैं, तो वो तो देखिए होंगे ही, बाकी आप फिर से चेंज कर सकते हो चाहें तो। और ये आपकी पसंद है तो आपको मैंने दोनों कवर बता दिए। अब दोनों का वेट देख लेते हैं। तो और सबसे पहले हम ब्लैक का वेट करते हैं, तो ये करीब 28 ग्राम का है, तो मतलब आपका 28 ग्राम और मोबाइल भारी हो जाएगा। अब इसको हम वेट करते हैं तो और ये 20 ग्राम का है, तो 8 ग्राम का डिफरेंस है। तो ये देखिए कितना लाइट वेट है और यही मेरी पसंद है, ये वाला कवर मुझको बेस्ट लगा है आपका, और ये आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वेट के बारे में बता दिया, कवर के बारे में बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो और अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। तो मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, लेकिन अगर आपको इस टाइप से और वीडियो देखना है पोको M2 से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।